अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज़। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी जरूरत का हर सामान अब किफायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपर मार्केट जहाँ आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी। भिवंडी की महिलाओं की आंगनवाड़ी को लेकर कई शिकायतें आ रही थी, साथ ही कई स्लम इलाकों में आंगनवाड़ी का काम और महत्व नहीं मालूम था, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए भिवंडी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ ग्रुप ने आज एक जनसुनवाई का आयोजन किया था। इस जनसुनवाई में आंगनवाड़ी के अधिकारी और सुपरवाइजर के समक्ष सभी शिकायतें रखी गयी और शहर में आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भिवंडी के गायत्री नगर इलाके से गुम हुआ एक 17 वर्षीय विजय उदय प्रसाद यादव, ये लड़का 21 मार्च को कॉलेज से अपनी दुकान आया और दुकान से घर खाना खाने के लिए निकला, लेकिन अगले दिन तक नहीं लौटा। घर वालों ने अगले दिन पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने विस्तार से पूछताछ के बाद सेक्शन 363 के तहत किडनैपिंग का मामला किया दर्ज। भिवंडी के BNN कॉलेज में पिछले 29 सालों से स्पोर्ट्स टीचर की पोजीशन पर कार्यरत गुनवन बेलखड़े सर को राज्य स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेलखड़े सर की छत्र छाया में कई स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स ने स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम किया है। बेलखड़े सर के इस पुरस्कार का स्वागत BNN कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक वाघ ने बधाई देते हुए किया। भिवंडी के वरला तालाब में गंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे तालाब का पानी इतना दूषित हो गया है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो गई और तालाब की मछलियां मरकर किनारे पर आने लगी है। भिवंडी के एक्टिविस्ट एडवोकेट भगवत वाघमारे ने इसका जिम्मेदार भिवंडी कॉरपोरेशन को ठहराया है। FDA थाने की टीम को टिप मिली थी कि भिवंडी के इस्लामपुरा इलाके में कोडिन युक्त सिरप और प्रतिबंधित दवाइयां अवैध तरीके से बेची जा रही है, जिस पर FDA इंस्पेक्टर ने निजामपुरा पुलिस की मदद से छापेमारी कर सारा माल किया जब्त, साथ ही अवैध दवाइयों को बेचने वाले राशिद खान को भी किया गिरफ्तार। निजामपुरा पुलिस मामला दर्ज कर रही आगे की कार्रवाई। भिवंडी तालुका से मुंबई वडोदरा बुलेट ट्रेन, समृद्धि हाईवे, अलीबाग कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां किसानों की जमीनें प्रोजेक्ट में जा रही है, जिसका मुआवजा किसानों को मिल रहा है, लेकिन प्रांत ऑफिस के कई ऑफिसर इस मुआवजे की रकम देने के लिए अपना कमीशन का परसेंटेज गरीब किसानों से वसूल रहे हैं, जिसके कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे प्रणीत भ्रष्टाचार विरोध जन आंदोलन का आयोजन आज भिवंडी प्रांत ऑफिस के बाहर किया गया। करीब 75 घंटे बाद मिली बस ड्राइवर की लाश। भिवंडी ग्रामीण के पाए गांव में रहने वाले TMT बस ड्राइवर अरुण कोडुस्कर होली के दिन नहाने तालाब में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अग्निशमन दल, NDRF और स्कूबा डाइवर्स की कोशिशों के बाद JCB से तालाब के किनारे खोदकर तालाब का पानी कम किया गया, जिसके बाद कोडुस्कर का शव बरामद हुआ। भिवंडी तालुका पुलिस ने शव को अपने ताबे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 14 सालों बाद महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी IPL की कैप्टनशिप। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रहे महेंद्र सिंह धोनी ने 4 बार IPL चैंपियंस का टाइटल जीता और 9 बार IPL का फाइनल खेल चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी को इंडिया का अब तक का सबसे बेहतरीन कैप्टन माना गया है। बिहार के नवादा जिले में पिछले एक साल से मर्डर के आरोप में कैद सूरज कुमार ने IIT की ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट को ऑल इंडिया 54 रैंक के साथ किया क्वालिफाई। सूरज कुमार ने सफलता में जेल प्रशासन का भी आभार माना। ऐसे कठिन समय में परीक्षा के लिए तैयारी करने में जेल के प्रशासन ने सूरज की काफी मदद की थी। आज सेंसेक्स 89 अंकों की गिरावट के साथ 57,595 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 22 अंकों की गिरावट के साथ 17,222 पर हुआ बंद। गोल्ड 52,059 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 69,351 और क्रूड ऑयल 8,653 पे ट्रेड करते हुए। भिवंडी की लेडीज के लिए खुशखबर, रूमी कलेक्शन आपके लिए लाए हैं 23 और 24 मार्च को एग्जीबिशन सेल, जहां आपको मिलेंगे कॉटन ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, पाकिस्तानी सूट्स, ज्वेलरी, स्टोल, बेडशीट्स और एसेसरीज। नियर चांदारा मस्जिद, सेकंड निजामपुरा, भिवंडी।